रोटेशन मोशन आपको समझ आया? रोटेशन मोशन क्या है? बहुत सारे सर्कुलर मोशंस मिलकर के एक साथ रोटेशन मोशन बनाते हैं। बहुत सारे सर्कुलर मोशंस हो जाएं जब एक साथ, इस तरह से होने चाहिए कि सारे सर्कल्स का सेंटर एक ही पॉइंट पर हो। रेडियस अलग अलग है, सर्किल अलग अलग है, लेकिन सबके सेंटर्स एक ही कॉमन लाइन पर आ रहे हैं, तो अभी रोटेशनल मोशन बन गया। ठीक है, रोटेशनल मोशन के इस लेसन में एक वर्ड, एक टर्म हम बार बार यूज करते रहेंगे, बार बार यूज करते रहेंगे, और वो टर्म है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पूरे लेसन के लास्ट तक आप बिल्कुल पक जाएंगे सुनते सुनते, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तोते की तरह रटता रहूंगा मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया? बहुत ध्यान से समझिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल में क्या है? जब आप ये समझ जाएंगे तो पूरा लेसन समझ आ जाएगा। डराने वाली बात नहीं है, हवा बहुत तेज है, काली घटा है, छाता लेकर निकलो घर से, भीगने के पूरे चांस हैं। और फिर भी अगर नहीं निकलोगे छाता लेकर, तो भीगने के लिए तैयार रहो। डराने वाली बात नहीं है, समझाने वाली बात है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? अगर ये बात समझ नहीं आई तो पूरा लेसन गुल हो जाएगा, बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ने का, बस यहां बैठ करके आओगे और कॉपी कॉली करके चले जाओगे। बहुत ध्यान से समझिएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कहां से हम इसे निकाल कर लाते हैं, क्या है ये, और रोटेशनल मैकेनिक्स में, रोटेशनल मोशन में इसका क्या रोल है, क्या काम करता है। सारे रोटेशनल मोशन इसी के चारों तरफ घूमता रहता है। जैसे पिक्चर में शाहरुख खान होता है, उस पिक्चर, सारी पिक्चर उसी के चारों तरफ घूमती रहती है। ये शाहरुख खान है पिक्चर का। रोटेशनल मोशन नाम की पिक्चर का हीरो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल मोशन नाम की पिक्चर की हीरोइन एक्सिस ऑफ रोटेशन। दोनों बातें आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी आपने समझ लिया कि वो कॉमन लाइन, जिस कॉमन लाइन पर डिफरेंट पार्टिकल्स के सर्कुलर पाथ के सेंटर लाई करते हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, बहुत ध्यान से इसे समझिएगा। ये बॉडी है, इस बॉडी को मैं सर्कुलर मोशन दे रहा हूं, इस बॉडी को रोटेशनल मोशन दिया मैंने। ठीक है, इस रोटेशनल मोशन में हर पार्टिकल एक डिफरेंट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। जो पाथ इस पार्टिकल का, वो पाथ इस पार्टिकल का नहीं है, करेक्ट। जो रेडियस इस पार्टिकल की, वो रेडियस इस पार्टिकल की नहीं है, सबके डिफरेंट रेडियस है। एक्चुअली सर्किल ही डिफरेंट है। ये मूव कर रहा है कहां, इस सर्किल पर, तो दूसरा पार्टिकल यहां मूव कर रहा है, तीसरा पार्टिकल इस सर्किल पर, चौथा पार्टिकल यहां, सब अपने अपने अलग अलग सर्किल पर मूव कर रहे हैं, करेक्ट। अभी हमने सर्कुलर मोशन में एक बात पढ़ी थी, लीनियर वेलोसिटी v = r ओमेगा, ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी। यहां आप ध्यान से देखिए, इन सभी पार्टिकल के लिए एंगुलर वेलोसिटी सेम है। ये पार्टिकल देखिए, एक सेकंड में ये 30 डिग्री घूम गया, तो ये वाला पार्टिकल भी अगर आप इसकी रेडियस मिलाओ तो एक सेकंड में 30 डिग्री घूम गई। ये पूरी रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी की बात करेंगे हम यहां सब। रिजिड बॉडी है, बॉडी को मोशन देने पर इसके अपने पार्टिकल्स के बीच रिलेटिव मोशन क्रिएट नहीं हुआ। तो जैसा ये पार्टिकल चल रहा है, जितने एंगल पर, उतने एंगल पर ये वाला पार्टिकल भी घूम जाएगा। सबके लिए ओमेगा सेम है, डिफरेंट क्या है, रेडियस। क्यों? जो पार्टिकल दूर है, जो पार्टिकल से दूर है एक्सिस से, उसकी रेडियस बड़ी है, जो पार्टिकल पास है उसकी रेडियस छोटी है। इस रेडियस के अकॉर्डिंग वेलोसिटी डिफरेंट होगी। हर पार्टिकल एक अलग वेलोसिटी पर चल रहा है, लीनियर वेलोसिटी इनके डिफरेंट है। क्या है? लीनियर वेलोसिटी हर पार्टिकल के डिफरेंट है।
क्यों? क्योंकि सारे पार्टिकल्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से रेडियस भी डिफरेंट है, डिस्टेंस डिफरेंट है, भले ही सारे पार्टिकल्स का एंगुलर मोशन एक जैसा है, करेक्ट। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ये बॉडी है, इरेगुलर शेप की बॉडी हम बनाते हैं, इसे इरेगुलर शेप की बॉडी बनाएंगे हम, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो इस बॉडी में से पार होकर जा रही है, ठीक है, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी घूम रही है, कितनी एंगुलर स्पीड से घूम रही है, ओमेगा, ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रही है, ठीक है। अब ये इस बॉडी के डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल m1 जिसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है r1, दूसरा पार्टिकल है m2 जिसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है, इस तरह से सारे पार्टिकल्स हैं। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए लीनियर स्पीड कितनी होगी, v1 इक्वल्स r1 ओमेगा, दूसरे पार्टिकल के लिए कितना होगा, एंड सो ऑन, और चलता हुआ पार्टिकल, चलते हुए हर बॉडी में एक एनर्जी होती है जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो फॉर फर्स्ट पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी वन स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं कितना, हाफ एम वी वन कितना है, आर वन ओमेगा, हाफ आर वन एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा। इसी तरह सेकंड पार्टिकल के लिए, सेकंड पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम टू आर टू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और बाकी सारे पार्टिकल्स के लिए होती चली जाएगी। यहां तक बात समझ आई, हर एक पार्टिकल के लिए रेडियस ऑफ रिवोल्यूशन डिफरेंट है, रेडियस के डिफरेंट होने से वेलोसिटी डिफरेंट हुई, भले ही सब एक जैसा एंगल घूम रहे हैं एक साथ, और वेलोसिटी डिफरेंट होने से सबकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट हो गई। अब इस पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे हम, ये बॉडी है, ये बॉडी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, बॉडी मोशन में तो है ये, ठीक है, ये मोशन हमारा ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है, ट्रांसलेटरी मोशन होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला, अब इस बॉडी में कैसा मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन, लेकिन अपनी जगह नहीं बदल रही, लेकिन मोशन तो है अब भी इसमें, अब कौन सा मोशन है, रोटेशनल मोशन। जब भी किसी कोई पार्टिकल मोशन में है तो फिर इसमें काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अब वाली काइनेटिक एनर्जी को हम एक नाम दे देंगे स्पेशल, क्या नाम दे देंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दे देंगे इसका नाम। अगर ये बॉडी इधर उधर ऐसे चल रही होती तो ट्रांसलेटरी मोशन है और ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, अब ये रोटेशनल मोशन में तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कैसे फाइंड करेंगे इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी, पूरी बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी हम कैसे फाइंड करेंगे, पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हम कैसे फाइंड करेंगे बताइए। बॉडी की, पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए बड़ा धैर्य का काम है, ये सब्र से करना पड़ेगा। पहले पार्टिकल m1 लीजिए, m1 को तोलिए बहुत बढ़िया वाली स्केल से जो सुनारों के पास होती है, बहुत बढ़िया। फिर इसका डिस्टेंस लीजिए r1 कितना है, एंगुलर वेलोसिटी लीजिए, सारी की सारी इस वैल्यू रखिए कहां, इस फॉर्मूले में रखिए m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई एक पार्टिकल की। फिर दूसरा कोई पार्टिकल लीजिए, इसका मास मेजर कीजिए कितना है, डिस्टेंस मेजर कीजिए, ओमेगा ओमेगा रखिए, इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई, है ना। और फिर शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, अगला दिन हो जाएगा, महीनों सालों बीत जाएंगे, करते 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 एक एक करके सारे पार्टिकल कभी ना कभी तो फाइंड हो ही जाएंगे, चाहे सारी जिंदगी बीत जाए करने में। अब ये जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी आई है, अलग अलग सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, इन सबको ऐड कर दीजिए तो क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी।
नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा आपको, ज्यादा धैर्य हो गया, बस 10-20 साल 50 साल का धैर्य रख लो, इतने में तो निकल ही जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो पूरी काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड हुई, काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड हुई इसकी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी फाइंड करने के लिए सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, काइनेटिक एनर्जी भी एक्चुअल में कौन सी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी कितना हो जाएगा, हाफ एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस, और कहां तक, कहां तक, सपोज इसके अंदर n पार्टिकल्स हैं तो हाफ एम एन आर एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। साफ नहीं दिख रहा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी हाफ एम वन आर वन ओमेगा स्क्वायर, सब जोड़ते चले गए। इसमें से जरा ध्यान से देखिए, ओमेगा तो एक जैसा है, ओमेगा तो कॉमन है और हाफ भी कॉमन है, हाफ एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर और कहां तक, एम एन आर एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये जो हमने यहां लिखा है पूरा का पूरा, इसी को लिखने का एक और तरीका है, ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं, देखो सम, सम को लिखा जाता है इससे, समेशन, समेशन का साइन है, किसका सम कर रहे हैं हम, मास और रेडियस के स्क्वायर के प्रोडक्ट का, एम आर स्क्वायर है ना, प्रोडक्ट है, किस किस का प्रोडक्ट है, मास और रेडियस के स्क्वायर का, और यहां लगाते हैं आई, यहां लगाते हैं आई, एम आई आर आई स्क्वायर, आई की वैल्यू क्या है, वन से लेकर एन तक, ठीक है। इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर कर दिया, ओमेगा स्क्वायर, ये आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकल कर आ गई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी हाफ समेशन फ्रॉम आई प्लस वन टू एन एम आई आर आई स्क्वायर, क्या पढ़ा जाएगा, समेशन फ्रॉम आई इक्वल्स वन टू एन एम आई आर आई स्क्वायर, ठीक है। अब बस एक छोटी सी बात समझनी है और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ आ जाएगा, ये क्या चीज है, ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और लीनियर मोशन में, लीनियर मोशन में जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, इन लीनियर मोशन, लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी होती हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल मोशन में आई ये सब कुछ, और लीनियर मोशन में हाफ एम वी स्क्वायर। यहां वी क्या चीज है, लीनियर वेलोसिटी, यहां ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड, वेलोसिटी नहीं बोलते हम इसे, स्पीड बोलते हैं, एंगुलर स्पीड। तो रोटेशनल मोशन में, सर्कुलर मोशन में एंगुलर स्पीड, और लीनियर मोशन में लीनियर स्पीड, वन बाय टू, वन बाय टू, वन बाय टू ऊपर वाले फॉर्मूले भी, वन बाय टू यहां है, लीनियर मोशन में लीनियर स्पीड, रोटेशनल मोशन में एंगुलर स्पीड, स्पीड से स्पीड मैच हो रही है और हाफ से हाफ मैच हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कुछ भी है, ये जो कुछ भी है, ये रोटेशनल मोशन में वही काम कर रहा है जो काम लीनियर मोशन में मास करता है, समझ रहे हो। दो फॉर्मूलों को हमने कंपेयर किया, एक लीनियर मोशन के और एक रोटेशनल मोशन के, तो पता लगा रोटेशनल मोशन में समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर फ्रॉम वन टू एन वही काम कर रहा है
जो लीनियर मोशन में मास काम करता है, है ना। तो इसको थोड़ा सा लिखते हैं हम, इसे प्रॉपर लैंग्वेज तो शायद नहीं बन पाएगी। समेशन फ्रॉम आई इक्वल्स वन टू एन एम आई आर आई स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू मास। अच्छा, समेशन फ्रॉम आई इक्वल्स वन इन रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन इज इक्वल टू मास इन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में जो काम मास करता है वही रोटेशनल मोशन में ये पूरा का पूरा कर रहा है। अच्छा, लीनियर मोशन में, लीनियर मोशन में मास क्या है? मास लीनियर मोशन में मास एक्चुअली क्या है, ये हम न्यूटन्स लॉ में पढ़ चुके हैं। मास है क्या, मास क्या है, देखते हैं किसे याद है। मास क्या है एक्चुअली, फिजिकली फिजिक्स में मास है क्या, फिजिक्स में मास क्या है? रेज योर हैंड्स, आप देखते हैं किसे क्लियर है। रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स, मास क्या है, मास क्या है? केवल एक हाथ उठा ऊपर। ठीक है, ठीक है, बताइए लीनियर मोशन में मास क्या है। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन बॉडी। एक बार फिर से माइक को क्लोज लेकर बताइए। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन बॉडी। अनफॉर्चुनेटली गलत है, कोई और बताएगा? हाँ बोलिए। फिर से बताइए एक बार। हाँ, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस जिससे कि ये बॉडी बनी हुई है, बताइए। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, एक बार फिर से बताइए। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मास क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है तब जब आप चाय में चीनी डाल ले हो। कितनी डालूं चीनी, मम्मी कहती है कि दो चम्मच डाल बेटा, वो क्वांटिटी बता रही है आपको मास की, वो केमिस्ट्री की बात है। बैठिए, वेरी गुड। फिजिक्स में मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। और फिर से मैं यहां वही अपना घिसा पिटा डायलॉग बोलूंगा कि फिजिक्स की सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि यहां एक ही में से सब कुछ निकलता चला जाता है। और अनफॉर्चुनेटली रटने वालों के लिए यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि फिजिक्स के सारे ताने बाने जाल की तरह आपस में उलझे हुए हैं। एक चीज अगर आप नहीं समझते तो जहां जहां तक वो लिंक्ड है 50 चीजें वो भी समझ नहीं आती। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, फिजिक्स में मास है मेजर ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया टेंडेंसी है टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, एक टेंडेंसी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, अब फिर से हम फॉर्मूले पर आते हैं। इन लीनियर मोशन मास क्या है? मेजर ऑफ इनर्शिया। लीनियर मोशन में मास क्या है? मेजर ऑफ इनर्शिया है। और रोटेशनल मोशन में ये सब कुछ वैसा ही काम कर रहा है जैसे कि लीनियर मोशन में मास काम कर रहा है। इसका मतलब ये जो कुछ भी है, व्हाट एवर इट इज, ये जो कुछ भी है इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ इनर्शिया, क्योंकि मास, लीनियर मोशन में मास इनर्शिया, लीनियर मोशन में मास क्या है? मेजर ऑफ इनर्शिया। और जैसा लीनियर मोशन में मास काम कर रहा है वैसे ही रोटेशनल मोशन में ये बड़ी सी क्वांटिटी काम कर रही है। तो इसका मतलब ये भी एक मेजर ऑफ इनर्शिया है, किसी इनर्शिया का मेजर है ये, जो काम करता है किसमें काम करता है? रोटेशनल मोशन में, करेक्ट। अब इसका एक नाम रख देते हैं, एक प्यारा सा नाम रख देते हैं इसका, समेशन आई इक्वल्स वन टू एम एम आई आर आई स्क्वायर इट इज एक्चुअली मेजर ऑफ रोटेशनल इनर्शिया। ये लीनियर इनर्शिया का कौन सा ले है, ये लीनियर इनर्शिया का मेजर है मास।
और मास की तरह ये सब कुछ काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी एक मेजर है इनर्शिया का, लेकिन कौन से इनर्शिया का मेजर है ये? रोटेशनल इनर्शिया का मोशन है, और इसी का नाम है क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MIRI स्क्वायर का समेशन, ये सब मिलकर के कहलाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसे? आई से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब क्या निकल कर आया? अब आपके पास निकल कर आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू समेशन आई इक्वल वन टू एन MIRI स्क्वायर। बता सकते हैं इसकी यूनिट क्या होगी? मास की यूनिट किलोग्राम है, और रेडियस की यूनिट मीटर, और उसके ऊपर स्क्वायर भी आ रहा है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, जबकि मास की यूनिट तो केवल किलोग्राम है, लीनियर इनर्शिया की यूनिट है केवल किलोग्राम, रोटेशनल इनर्शिया की यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, क्योंकि लीनियर इनर्शिया मास पर तो डिपेंड करता ही है, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि घूमने वाला पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस भी यहां आ रहा है। क्लियर हो इतनी बात? क्या है रोटेशनल इनर्शिया, क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ये मेजर है रोटेशनल इनर्शिया का, मेजर इक्विवेलेंट है किसके? इक्विवेलेंट है मास इन लीनियर मोशन, जो काम लीनियर मोशन में मास करता है वही काम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है ना। मेजर कैसे करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को? अपनी पूरी बॉडी को छोटे 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 पार्टिकल्स में तोड़ेंगे, उन पार्टिकल्स का मास मेजर करेंगे, उन पार्टिकल्स की एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस मेजर करेंगे, डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे, मास से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरह से लाखों करोड़ों अरबों जो पार्टिकल्स बने इन सारे पार्टिकल्स की ये कैलकुलेशन करके लास्ट में ऐड कर देंगे। अगर आप अभी करना शुरू करेंगे इस बॉडी के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली अपने पोते को जाके बताएंगे कि ये कितना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इतना समझ लग ही जाएगा। एनीवे, कैसे मेजर करेंगे? एक अलग तरीका है उसका। ये हमने यहां से सिर्फ इसको डिफाइन किया है, डिफाइन किया है केवल इसे। यहां मेजर करने के दूसरे तरीके हैं, बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत फास्ट है। यहां से हमने इसे फाइंड करा है कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या, केवल हमने यहां से डिफाइन किया, फाइंड किया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द मेजर ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन, ठीक वैसे ही जैसे कि मास था मेजर ऑफ इनर्शिया इन लीनियर मोशन, ऐसे ही ये मेजर ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में। बस इतना डिफरेंस यहां आ गया कि इसका वैल्यू डिपेंड करती है मास पर भी, और डिपेंड करती है कि घूमने वाला ये पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है। ठीक है, लिखते हैं इसे अभी हम। हाँ, अभी आपने हेडिंग क्या डाली? हेडिंग डाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन, काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन, काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन एंड द कंसेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन एंड द कंसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कंसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कंसेप्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसके बाद आपने ये डायग्राम ड्रॉ करना है। बिना डायग्राम ड्रॉ करे भी बात बन जाएगी, चाहे तो ड्रॉ कर लीजिए आप, ड्रॉ कर लीजिए। लिखते हैं, कंसिडर अ बॉडी
कंसिडर अ बॉडी मेड अप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मास m1 m2 .. मेड अप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मास m1, m2, m3 .. at perpendicular distance r1, r2, r3 .. from axis of rotation. ठीक है, अब इसके बाद आपने ये सब करना है, कौन सा, यहां इसके बाद एक और लिखे, लेट द बॉडी इज इन रोटेशनल मोशन, अबाउट द एक्सिस विद कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। ठीक है, इसके बाद ये सब करेंगे, फिर से एक बार देख लेते हैं, v इक्वल्स r ओमेगा, तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए v1 इक्वल्स r1 ओमेगा, सेकंड पार्टिकल के लिए ये हुआ, थर्ड पार्टिकल के लिए v3 इक्वल्स r3 ओमेगा, फर्स्ट पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर, सेकंड थर्ड पार्टिकल के लिए हाफ, इसी में v की जगह रख दिया r ओमेगा, तो r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सेकंड पार्टी के लिए हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल है, हाफ और ओमेगा कॉमन ले लिया। ठीक, और ये सब जो इतनी लंबी चौड़ी कहानी है, ये भी सब कुछ वैसा ही है, बस इसको लिखने का तरीका हमने छोटा कर लिया है, अब भी ये सब कुछ ऐसा ही है, करेक्ट। ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड आप लिख ही चुके हैं, लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर बनी, जहां वी लीनियर वेलोसिटी है, करेक्ट। दोनों फॉर्मूलों को आपने कंपेयर किया, यहां आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, क्या, कंपेयरिंग द इक्वेशंस, समेशन आई इक्वल्स 1 टू एन एम आई आर स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू मास, ये कहा, रोटेशनल मोशन में, ये लीनियर मोशन में, तो आप पूरा स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे, समेशन आई इक्वल्स 1 टू एन एम आई आर स्क्वायर इन रोटेशनल मोशन इज इक्विवेलेंट टू मास इन लीनियर मोशन, करेक्ट। और लीनियर मोशन में इन लीनियर मोशन मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, हेंस इन रोटेशनल मोशन समेशन एम आई आर आई स्क्वायर इज द मास ऑफ रोटेशनल इनर्शिया कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू कितना हुआ, समेशन एम इज इक्वल 1 टू एन एम आई आर आई स्क्वायर किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, कीजिए जल्दी से। अब थोड़ा सा डिफरेंस, लीनियर मोशन में मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, और मास किसी बॉडी का कभी भी नहीं बदलता, मास कभी नहीं बदलता। इस पेन का मास 50 ग्राम है तो 50 ग्राम ही रहेगा, चाहे रुका हुआ हो चल जाओ, बशर्ते कि स्पीड ऑफ लाइट के आसपास ना पहुंचे, मास कॉन्स्टेंट रहता, मास नहीं बदलता। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मास के जैसा काम कर रहा है, ये बदल सकता है। पहली बात तो ये कि मैं इसका शेप अगर बदल दूं, अभी पार्टिकल ये वाला कम डिस्टेंस पे था, मैं शेप बदल दूं, यहां ला दूं इसे, अब क्या हुआ, अभी लार्जर डिस्टेंस पर पहुंच गया, सारे पार्टिकल्स बदल के डिस्टेंसेस बदल गए, यहां बॉडी वही है, टोटल बॉडी का मास अब भी वही है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया। तो सबसे पहले डिपेंड कर रही है शेप पर, अगर मैं इसका साइज ही बदल दूं, ऐसा कर दूं, तो मास तो अब भी वही है, लेकिन अब पार्टिकल का डिस्टेंस फिर बदल गया, शेप बदलते ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया। साइज पर डिपेंड है, शेप पर डिपेंड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर, क्या, अगर मैं यह थोड़ी सी मिट्टी भर दूं इसमें लागे,
तो एक तरफ मास ज्यादा हो जाएगा, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया, समझ रहे ना। और डिपेंड करता है लास्ट में कि एक्सिस कहां है। अभी मैंने एक्सिस ये बनाई थी, इसको ऐसे ही रखते हुए मैं एक्सिस यहां बना दूं, बदल दूं लो एक्सिस की ओरिएंटेशन, मैंने यहां बदल दी। अब फिर से डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया मास का, जो m1 की डिस्टेंस पहले r1 थी अब बदल गई, अब फिर से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है साइज पर, शेप पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर और एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलते ही सब कुछ सेम रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। ध्यान रखिएगा ये बात, अभी हम एक्सिस कई जगह अलग अलग बदल कर लेंगे, एक ही बॉडी है, उसका शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, बस एक्सिस ऑफ रोटेशन आपने जरा सी इधर उधर करी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। ठीक है, लिखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर, इट्स यूनिट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर, इट्स यूनिट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड ऑन शेप, ऑन शेप, साइज, ऑन शेप, साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द बॉडी। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन, इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ध्यान से देखिए, मोमेंट एक बॉडी है आपकी, ये बॉडी फिक्स साइज की बॉडी है, शेप, साइज, मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास सब कुछ सेम है। अगर मैंने यहां ली एक्सिस ऑफ रोटेशन तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और आएगा, अगर मैंने यहां ली एक्सिस ऑफ रोटेशन तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया, अगर मैंने यहां ले ली एक्सिस ऑफ रोटेशन तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया। यानी एक ही बॉडी के कितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकते हैं, लाखों करोड़ों हो सकते हैं, बिना बॉडी का शेप बदले, बिना बॉडी का साइज बदले, बिना बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बदले, एक्सिस ऑफ रोटेशन में जरा सा चेंज करो, एक नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। इसलिए अब हम आगे जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्ड यूज करेंगे तो उसके साथ उसकी एक पूछ जरूर लगाएंगे, जैसे एक टेल हमने लगाई थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्रिटिकल एंगल में, फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, क्योंकि दो में से एक मीडियम बदलते ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाता, क्रिटिकल एंगल बदल जाता। क्रिटिकल एंगल 45 है ग्लास और एयर के लिए, ग्लास और वाटर के लिए 45 नहीं है, बदल जाएगा, तो इसलिए हम वहां क्या लिखते थे, फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। इसी तरह यहां भी इसकी टेल इसके साथ रखनी पड़ेगी, क्या, अबाउट गिवन एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस, लिखना ही पड़ेगा, इसको लिखना ही पड़ेगा, हर बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखते हैं। अच्छा, ये तो लिख लिया आपने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है। ठीक, अब देखो, जो जिस तरीके से हमने इसको डिफाइन किया, क्या कि इसके पार्टिकल बनाओ, इस बॉडी के कितने पार्टिकल बन सकते हैं, करोड़ों अरबों पार्टिकल बन सकते हैं, उनकी डिस्टेंस लो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, जीवन बीत जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा, इसका पार्टिकल खत्म नहीं होंगे, जीवन खत्म हो जाएगा। तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का कोई और दूसरा तरीका हो, है ना।
अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिफाइन करेंगे। इस पूरे लेसन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अलग अलग डेफिनेशंस आएंगी, कई डेफिनेशंस आएंगी। एग्जाम में जो आपसे पूछी जाए वही रिलेवेंट डेरिवेशन डेफिनेशन आपको देनी है। अलग अलग फिनोमिनन से हम इसको डिफाइन करेंगे। आपसे कहा जाए डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो आपको एंगुलर मोमेंटम के रूप में ही डिफाइन करना पड़ेगा। कोई और डेफिनेशन अगर आपने लिख दी इसकी तो ठीक होने के बावजूद भी उसे काट दिया जाएगा, ठीक है। अब सबसे आसान तरीका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करने का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का क्या है, देखो ध्यान से। अभी हमने रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी फाइंड करी, क्या इन रोटेशनल मोशन काइनेटिक एनर्जी फाइंड की आपने, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई क्या है, फ्रॉम आई इक्वल्स वन टू एन एम आई आर आई स्क्वायर। एक बात और याद रखिएगा, अगर कोई बॉडी आपकी सिर्फ पॉइंट मास है, कोई बॉडी जिसका अपना वजूद ही सिर्फ एक पॉइंट के जैसा है, तो फिर सिंपली उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर कोई बॉडी एक्सटेंडेड है, एक बॉडी है ये रही बस, ए इतनी बड़ी बॉडी है और यहां एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधे एम आर स्क्वायर। दूसरा इसमें कोई पार्टिकल है ही नहीं, एक ही पार्टिकल की बॉडी है। चींटी की एक टांग का भी एक करोड़वा हिस्सा समझो, तो उसका जो तो छोटा पार्टिकल हो गया ना, एक छोटे से पार्टिकल के लिए सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। और अगर बॉडी एक्सटेंडेड है, लार्ज है, तो समेशन एम आई आर स्क्वायर, ठीक है। रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई इक्वल्स एन वन टू एन एम आई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इफ ओमेगा इक्वल्स वन रेडियन पर सेकेंड, तो आई इज इक्वल्स टू ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी। यहां आप वन रखेंगे, वन का स्क्वायर भी वन है, तो आई इक्वल्स क्या बन जाएगा, ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी। अब आसान तरीका मिल गया आपको, क्या कि इस बॉडी का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट दिस गिवन एक्सिस, ठीक है। क्या काम करो, इसे वन रेडियन पर सेकंड के एंगुलर स्पीड पर घुमा लो। कितनी स्पीड पर, वन रेडियन पर सेकंड की एंगुलर स्पीड पर आप घुमाओ, फिर उसके बाद देख लो इस पर कितनी काइनेटिक एनर्जी, इस काइनेटिक एनर्जी का दुगना कर दीजिए, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस इज ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, ट्वाइस द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी व्हेन द बॉडी इज रोटेटिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ वन रेडियन पर सेकेंड अबाउट द गिवन एक्सिस। फिर से पढ़िए, फिर से समझिए, अगर थोड़ी सी आपको इंग्लिश आती है, थोड़ी सी आपको फिजिक्स की समझ है, तो डेफिनेशंस याद नहीं करनी होती है फिजिक्स में, डेफिनेशंस फॉर्मूले में से निकलती हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस इज इक्वल टू ट्वाइस द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी व्हेन द बॉडी इज मूविंग इज रोटेटिंग एट ए कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ वन रेडियन पर सेकेंड अबाउट द गिवन एक्सिस। कीजिए इसे, फिर लिखेंगे। The moment of inertia of a body about the given axis, the moment of inertia of a body about the given axis, is numerically equal. The moment of inertia of a body about the given axis is numerically equal. To twice the rotational kinetic energy of body, numerically equal to twice the rotational kinetic energy of body when the body is in rotational, when the body is rotating at a constant angular speed of
एट ए कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ 1 रेडियन पर सेकेंड, कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ 1 रेडियन पर सेकेंड अबाउट द गिवन एक्सिस, कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ 1 रेडियन पर सेकेंड अबाउट द गिवन एक्सिस, राइट?